हमारे कान्हा जी का जिस दिन बर्थडे आता है उस दिन को कहते हैं जन्माष्टमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जन्माष्टमी की कहानी क्या है, ऐसा क्या हुआ था कि श्री विष्णु जी को खुद धरती पर अवतार लेना पड़ा था। हमारे श्री कृष्ण की जितनी भी फोटोग्राफ्स हम देखते हैं उसमें उनका कलर ब्लू दिखाया जाता है, क्या वाकई ही कान्हा का कलर नीला था या उसमें भी भगवान की कोई लीला है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको 8 नंबर और श्री विष्णु का कनेक्शन क्या है। 8 नंबर जिसको न्यूमरोलॉजी में शनि माना जाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख तकलीफें आ सकती हैं, बनते हुए काम रुक सकते हैं, कैसे अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उनका साथ लेके हम अपने जीवन में सारे दुख तकलीफों को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, बट उस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जन्माष्टमी की कहानी। कहानी में आपको संक्षेप में सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को देखें और बच्चे भी इसको आराम से समझ पाएं। तो जन्माष्टमी की कहानी कुछ इस तरीके से है। मथुरा का एक राजा था, राजा उग्रसेन। राजा का एक बेटा था कंस, जो कि शुरू से ही पावर हंग्री था। वो लोगों को डोमिनेट करना चाहता था और उसकी डोमिनेंस उसके दिमाग पे इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि उसने अपने पिता के मंत्रिमंडल के साथ ही मिलके एक प्लान बनाया और अपने पिता को भेज दिया जेल में और खुद बैठ गए राजगद्दी पर। वहां से उनकी डोमिनेंस की कहानी शुरू होती है। इस दौरान कंस की एक बहन थी देवकी, जिसकी शादी कराई गई वासुदेव के साथ। कंस क्योंकि शो ऑफ करना चाहते थे, उन्होंने अपने रथ को सजा के ये कहा कि मैं देवकी और वासुदेव को खुद छोड़कर आऊंगा उनके गांव तक, उनके महल तक। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वहां पे हुई एक आकाशवाणी। आकाशवाणी ऐसी थी कि कंस सुन के उसको हैरान हो गए, परेशान हो गए। आकाशवाणी में ये कहा गया कि देवकी और वासुदेव की जो संतान होगी वो ही कंस का वध करेगी। कंस ये सुन के परेशान हो गए और वासुदेव को उसी समय मारना चाहा। देवकी ने बड़े हाथ पैर जोड़े कंस के और ये कहा कि ऐसा मत कीजिए भैया, हमारी जो भी संतान होगी वो हम आपको सौंप देंगे, बट आप वासुदेव जी को कुछ ना कहिए। कंस ने उनकी जान बख्श दी दोनों की, लेकिन दोनों को सुना दी जेल की सजा। अब देवकी और वासुदेव जो थे जेल में कैदी थे कंस के। लेकिन कुछ समय बाद देवकी ने कंसीव किया, पहली संतान हुई। पहली संतान हुई तो वादे के मुताबिक कंस आए जेल के अंदर और उन्होंने देवकी और वासुदेव के सामने ही उनकी संतान को मार दिया। अब यही क्रूरता का सिलसिला चलता गया। 1, 2, 3 करते करते 6 संतान देवकी और वासुदेव जी की मार दी गई। अब सातवीं बार जब देवकी ने कंसीव किया तो उन्होंने कहा कि श्री विष्णु, मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता कि मेरे सामने ही मेरी संतान को मार दिया जाता है, तो क्यों ना आप इस संतान को मेरी कोख में ही मार दीजिए। अब इस समय हुई डिवाइन इंटरवेंशन और देवकी जी की कोख से संतान शिफ्ट कर दी गई रोहिणी जी की कोख में, जो कि वासुदेव जी से रिलेटेड थी। इस तरीके से जन्म हुआ बलराम का, जिसके बारे में कुछ समय तक वासुदेव और देवकी जी को भी नहीं पता था। और कंस को यही बोल दिया गया कि सातवीं जो संतान है वो कोख में मर गई है या पैदा होके जिंदा नहीं बची है। तो कंस इस बात से थोड़ा सा संतुष्ट हो गए कि सातवीं संतान तो मर गई है। तो कुछ समय और बीत गया और इस बार यानी 8वीं बार देवकी ने एक बार दोबारा जन्म दिया एक पुत्र को। पर इस बार पुत्र ने नहीं जन्म लिया था, श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री विष्णु उस दिन वासुदेव जी के सामने प्रकट हुए और उनको समझाया कि इस बारी मैंने अवतार लिया है इस धरती पर कंस का सिंघार करने के लिए, उसका वध करने के लिए। तो आप एक काम कीजिए कि नंद के यहाँ श्री कृष्ण को यानी उस बालक को छोड़ाइए और वहाँ जो बेटी हुई है उसको आप यहाँ ले आइए। तो वासुदेव जी ये बात सुन के एक टोकरी के अंदर श्री कृष्ण जी को लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक और चमत्कार हुआ। जब वो वासुदेव जी श्री कृष्ण को अपने सर पर टोकरी पर उठा के लेके जा रहे थे तो यमुना का स्तर बढ़ने लग गया। यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि वासुदेव जी के लिए चलना मुश्किल हो गया। उसी समय श्री कृष्ण जी ने टोकरी से अपना एक पैर बाहर निकाला और यमुना ने जैसे ही श्री कृष्ण जी के पैर को स्पर्श किया, यमुना ने वासुदेव जी के लिए रास्ता छोड़ दिया और नदी 2 हिस्सों में बट गई। वासुदेव जी ने फटाफट उस रास्ते को पार किया, नंद के पास पहुंचे, नंद और यशोदा के पास पहुंचे और वहां पे नंद को सारी बात समझाई और ये कहा कि ये बात आप किसी से शेयर नहीं करेंगे या किसी को नहीं बताएंगे। नंद ने इस बात का वादा किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। श्री कृष्ण जी को उन्होंने पालकी में रखा और अपनी बेटी को वासुदेव जी को सौंप दिया। वासुदेव जी वापस आ गए अपने कारावास में। अब कंस को ये बात पता चली कि 8वीं संतान जो है वो एक पुत्री है, बट कंस यहाँ पे चांस नहीं लेना चाहता था।
तो कंस ने क्या किया कि वो जेल में पहुंच गए और आठवीं संतान को मारने का फैसला किया। जब कंस जेल में पहुंचे तो आठवीं संतान जो एक पुत्री थी उन्होंने ले लिया देवी का रूप, और देवी ने कुछ ऐसा कहा कि कंस के पैरों तले जमीन निकल गई। देवी ने कहा कि जिसने तुम्हारा वध करना है उस बालक ने जन्म ऑलरेडी ले लिया है। कंस ये बात सुनकर परेशान हो गया और उसने ऑर्डर दिया कि जितने भी बच्चे उस दिन पैदा हुए सबको मार दिया जाए। अब एक असुर पहुंची श्री कृष्ण जी के पास उनको दूध में जहर मिला के पिलाने के लिए, तो कृष्ण जी ने वो दूध पी लिया लेकिन असुर के प्राण भी वहीं चले गए। तो ये माना जाता है कि क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जहर वाला दूध पिया था इसलिए उनका रंग नीला है। ये तो है कहानी के तौर पे, बट एक्चुअली इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी एक ऑरा होती है, उस ऑरा में जैसे जो संत होते हैं महात्मा होते हैं उनकी वाइट ऑरा होती है, जो वॉरियर्स होते हैं यानी कि जो बिल्कुल क्षत्रिय ब्लड होता है जिनका, उनकी ऑरेंज ऑरा होती है, और जो बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी के होते हैं, कैपेबिलिटीज के होते हैं, जो इंसानी ताकत से बहुत ऊपर होते हैं उनकी ऑरा ब्लू कलर की मानी जाती है। यानी जो देव होते हैं, परमात्मा होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनकी ऑरा ब्लू कलर की मानी जाती है। तो हो सकता है जो जब लोग उन्हें श्री कृष्ण जी को देखते थे तो उनको नीला रंग का ऑरा नज़र आता था, इसलिए चित्रों में श्री कृष्ण जी को ब्लू कलर का दिखाया गया है। ये बात बड़े अच्छे से सात गुरु ने भी समझाई है। दूसरा रीज़न ये है, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जिस भी चीज़ को नापा नहीं जा सकता था उसको नीले रंग से एसोसिएट किया जाता था, यानी ब्लू मीन्स लिमिटलेस। आसमान की ऊंचाई को आप नाप नहीं सकते, उसका रंग भी नीला है। समुद्र की गहराई को आप नाप नहीं सकते, उसका रंग भी नीला है। उसी तरीके से श्री कृष्ण, विष्णु, श्री राम और शिव जी का रंग भी जब हिंदू माइथोलॉजी में नीला दिखाया जाता है तो उसका यही मतलब है कि ऑल ऑफ दी सुप्रीम लॉर्ड्स आर लिमिटलेस। तो कान्हा जी का रंग नीला यही दर्शाता है दैट ही वॉज फुल ऑफ इन्फाइनाइट पावर। अब इन्फाइनाइट पावर की बात करूं तो यहीं पे बात करनी पड़ेगी मुझे आठ नंबर की, क्योंकि देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान थे श्री कृष्ण। आठ नंबर को न्यूमरोलॉजी में लिंक किया जाता है शनि देव के साथ, यानी कर्म फल देवता के साथ। हमारी ज़िंदगी में जब भी हमें दुविधा का सामना करना पड़ता है या हमारे कामों में रुकावट आ रही होती है तो ये कहा जाता है कि शनि का प्रकोप कहीं ना कहीं हम पर भारी है। अब मैं एक मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप सिमरें तो श्री कृष्ण का साथ आपके साथ जिंदगी भर बना रहेगा, और जैसे सारथी बनकर अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध जिताया था वैसे ही आपकी जिंदगी में सारे दुख तकलीफ दूर होते जाएंगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। या अगर आप ये मंत्र नहीं जप सकते तो आप सिंपली हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करें। इसमें हम बेसिकली कृष्ण जी से ये कह रहे हैं कि हमारे सारे दुख हर लीजिए। हम यूनिवर्स से, हम अपने परमात्मा से ये कह रहे हैं दैट फ्री अस फ्रॉम ऑल आर ट्रबल्स, हमारे सारे दुख हर लीजिए। तो इन दो मंत्र का अगर आप अपनी जिंदगी में जाप करते हैं तो डेफिनेटली सभी दुख तकलीफें आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश जन्माष्टमी की कहानी आपको बताने के लिए, और बताऊं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें श्री कृष्ण के बारे में। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी है तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर करें अपने परिवार वालों के साथ ताकि उन्हें भी श्री कृष्ण की लीला के बारे में पता चले। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में ऐसी ही कहानियों को आपके सामने लेके आऊँ ताकि आपके लिए समझने में इनको आसानी हो और इससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।